अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाब की बेल के बारे में। आपके सामने दो प्लांट रख दिए मैंने, एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो गुलाब की बेल है दोस्तों। और दोस्तों, ये गुलाब की बेल है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्लाइंबिंग रोज भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको रोज वाइन भी कहा जाता है, रोज क्रीपर भी कहा जाता है। साइड भी नॉर्मल गुलाब का पौधा है। तो बेल मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, अपने लॉन में, गार्डन में लगाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ही लाल मिट्टी के प्लांट हैं, और मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ये बेल है या गुलाब है, तो वो भी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप पहले देखिए, दोनों ही पौधों में ग्राफ्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एक जोड़ लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ पे एक जोड़ लगा हुआ है दोस्तों। ऐसे आइडेंटिफाई करें कि ये गुलाब है या गुलाब की बेल, उसके लिए तरीका है दोस्तों। जो गुलाब की बेल है दोस्तों, उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। आप देख सकते हैं ये इसकी ग्रोथ हो रही है, देख सकते हैं कितनी टहनियां इकट्ठे निकल रही हैं दोस्तों। और इसकी जो ग्रोथ है ना, वो जैसे जंगली पौधा उगता है ना, जंगली पौधे में एकदम से ग्रोथ आती है, वैसी इसकी ग्रोथ है दोस्तों। और जो नॉर्मल होता है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं होती, उसमें धीरे धीरे से, जो नॉर्मल गुलाब का होता है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ चलती है दोस्तों। इसकी ग्रोथ जो बेल है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है दोस्तों, यही इसका एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। प्लस इसके पत्ते थोड़े से कांटेदार ज्यादा होते हैं, थोड़े ऐसे बंद ज्यादा होते हैं, पूरे खुले नहीं होते ऐसे, तो ये भी एक अलग तरीका है। लेकिन डिपेंड करता है, कई जो किस्में हैं गुलाब की बेल की, उसमें पत्ते खिले आते हैं, तो बस इसकी ग्रोथ को देख के पता लग सकता है दोस्तों कि इसकी गुलाब है या गुलाब की बेल है, क्योंकि ग्रोथ से पता, एक जो गुलाब की बेल है उसकी जंगली तरीके से एक जो एकदम से ग्रोथ होती है वैसी होती है, और नॉर्मल प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे स्लो स्लो होती है। और दोस्तों, ये गुलाब की, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो बेल है, ये बांसिया नस्ल की बेल है, बांसिया नस्ल की बेल है। और जो बेल के साथ जो जनरल सा दोस्तों जो रूल होता है, वो ये होता है कि आप इनको जितना बड़ा गमला दे सकते हैं उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। तो बेल का ये रूल है दोस्तों, कोई भी बेल हो, बेशक अंगूर की बेल हो या फूलों की बेल हो, उनको बेल के लिए हमें गमला बड़ा रखना है, कम से कम 16 इंची का गमला दोस्तों ज़रूर होना चाहिए एक बेल के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो मैं इसको छत पे नहीं लगाना चाहता दोस्तों, और क्योंकि मेरे पास लॉन है तो मैं लॉन में इसको लगाऊंगा ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और दोस्तों, ये लाल फूलों वाली बेल है, लाल फूल इसके अंदर आते हैं, सर्दियों में इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, तो इसके अंदर साल में दो तीन महीने इसके अंदर फ्लावर रहते हैं दोस्तों। तो मैं इसको ज़मीन में लगाऊंगा। तो दोस्तों, जब इसके अंदर फूल आ जाएंगे तो मैं आपके साथ एक अपडेट वीडियो शेयर करूंगा दोस्तों। तो तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।